Yo, yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move. जो सैंपल लेना है ना भैया से भैया का नाम बता दो एक बार। दीपक। दीपक जी है, उनका नंबर मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कोई भी आईटी से टेस्ट करवाना चाहते हो तो भैया से करवा सकते हो। जैसे हमारे इमरजेंसी केस है, फ्लाइट के लिए हम लोग करवाए, तो इनको रोहिणी में रहते हैं। हम लोग फिलहाल डॉक्टर बिंदल सर से हमें रिकमेंडेशन मिला था, लेकिन आप इनसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। हाँ जी, ठीक है। और ये हम लोग आईटी टेस्ट ऑलरेडी हो चुका हम लोगों का, और फिर नेक्स्ट स्टेप हम लोग दिखाते आगे जाके। भैया ओला का बुकिंग है। हाँ जी, हाँ जी, एयरपोर्ट जाना है, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल। आ जाइए, थैंक यू। तो दोस्तों, हम लोग पहुंच चुके हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। हम लोग जाने वाले हैं अभी जम्मू कश्मीर। तो हमारा जो ब्लॉग है, ये नया ब्लॉग आपके सामने हम लोग लेके आ रहे हैं, और कैसे कैसे हम लोग जा रहे हैं तो पूरा दिखाएंगे। और हमारा जो फ्लाइट है, एयर इंडिया का फ्लाइट है, तो अभी है रात के 3:45 और 7:40 में हमारे फ्लाइट है। तो देखते रहिए हमारे साथ, और जो जो ये ट्रैवल का टिप्स और आइटनरी है आप लोगों को सब हम लोग बताएंगे। तो फिलहाल हम लोग हैं न्यू दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो यहाँ से हम लोगों को आज फ्लाइट लेके श्रीनगर पहुँचना है। उसके बाद वन बाई वन हमारा जो ट्रैवल आइटनरी है हम लोग दिखाएंगे। तो ये है प्रियंका, ऑलरेडी रेडी घूमने के लिए, और दिस इज़ मी। तो हमारा ये जो ब्लॉग है, ये पूरा आप लोगों को दिखाएंगे वन बाई वन। तो चलो उस तरफ चलते हैं। तो बेसिकली लाइन भी बहुत लगा हुआ है, और इतने अर्ली मॉर्निंग का फ्लाइट है तो बहुत पहले आना पड़ता है। कम से कम 3 घंटे पहले तो आना ज़रूरी है। तो फिर अंदर जाके दिखाते हैं, चलिए पहले लाइन में लगते हैं। चलो
तो फिलहाल हम लोग अभी लाइन पे खड़े हैं अपने बोर्डिंग पास के लिए। एयर इंडिया के बोर्डिंग पास का लाइन है और फिर अब लोग के लिए तो हम लोग है ही ऑलवेज जो ट्रैवल आइटिनरी है डेफिनेटली हम लोग दिखाएंगे आप लोगों को और हमारे ट्रैवल में हम लोग कैसे कैसे ट्रैवल करते हैं सब कुछ दिखाएंगे, क्या क्या प्रिकॉशन लेना पड़ता है। जैसे हम लोग आरटीपीसीआर टेस्ट करके जा रहे हैं, हमारे पास टेस्ट रिपोर्ट है, तो ऐसे जो जो सेफ्टी है सब कुछ हम लोग दिखाते हैं। देखते रहिए हमारे साथ और प्रियंका पीछे खड़ी है, ठीक है ओके। तो जैसे कि हम लोगों का बोर्डिंग पास ऑलरेडी हम लोगों को मिल चुका है और ये दोनों का बोर्डिंग पास है, तो एयर इंडिया का फ्लाइट है हमारे, तो अभी 27 नंबर गेट पे हमारे फ्लाइट है, तो सिक्योरिटी चेक इन हो गया है। तो पहली बार मैं एक्शन कैमरा और उसके सेटअप लेके फ्लाइट में जा रहा हूँ एयर इंडिया के फ्लाइट से, और दिस इज़ ओके एंड एक्सेप्टेड। तो मुझे पता नहीं था वो एक्सेप्ट करेगा कि नहीं, लेकिन एक्सेप्टेड। तो अभी कुछ देर में हमारे फ्लाइट है, अभी चेक इन ऑलरेडी डन, तो नेक्स्ट स्टेप आई विल शो यू वॉट एवर विल बी इंक्लूडेड इन आवर ब्लॉग। एंड आवर फ्लाइट इज़ इन 7:40 एंड विल रीच टू श्रीनगर एंड 8:40 एट मॉर्निंग एम। सो आई हैव बुक्ड माई एंटायर टूर पैकेज थ्रू इंटरनेशनल यूथ क्लब दिल्ली, एंड इंटरनेशनल यूथ क्लब दिल्ली जो है ये ट्रैवल एजेंट है और इनके पास डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल दोनों पैकेज ही होता है, और इनके थ्रू हमारे कश्मीर का जो पैकेज बना हुआ है। तो आई विल रिकमेंड एवरीथिंग अबाउट यूथ क्लब एंड उनके जो आइटिनरीज है। तो हमारे ये पूरे ब्लॉग आप लोग देखते रहिए एंड तक, जितने भी एपिसोड्स होगा और पूरे देखेंगे तो और आप लोगों को पूरा क्लियर एक आइडिया हो जाएगा वट एवर इज़ द कश्मीर आइटिनरीज एंड इनके जो जो पॉइंट्स होता है, कुछ ऑफबीट पॉइंट्स होता है, तो ये सारे कुछ हम लोग कोशिश करेंगे कवर करने के लिए। तो चलिए आगे देखते रहे हमारे साथ बोंग लुक टॉटर ब्लॉग्स, और साथ में ये प्रियंका कैमरा पकड़े हुए अभी 27A उधर ही है, कहाँ पे है सामने। हाँ अभी ये 27 नंबर गेट इनके सामने हम लोग खड़े हैं, यहाँ से हम लोगों का इन होना होगा। तो चलो आगे जाके यहाँ से ही चलते हैं ना, तो यहाँ से चलोगे घूम के आ जाएंगे। अरे घूमना पसंद है ना मुझे, देखो हम घूमने घूमते जा रहे हैं, तुम घूम नहीं रहे हो, देखो दिस इज़ द 27A जहाँ से हम लोगों का आज चेक इन है। हमारे जो टोटल ब्लॉग है ये ब्लॉग हम लोग आपके सामने दिखाएंगे, और बहुत दिन बाद एक लॉन्ग ब्लॉग लेके हम लोग आ रहे हैं जो कंटिन्यू 7 डेज़ का होगा, और इसमें 7 डेज़ का जो जो आइटिनरीज है सब कुछ हम लोग कवर करेंगे। तो करेंटली हम लोग थोड़ा सा भूख लग गया तो एयरपोर्ट में बर्गर किंग में आ गए, तो वीर इन द एयरपोर्ट करेंटली, बट भूख लगने की वजह से बर्गर किंग में हम लोग अभी है, तो ऑर्डर भी कर चुके हैं तो चिकन हूपर बर्गर, तो देख रही है वी ऑलरेडी हैव आवर बर्गर किंग मॉर्निंग वाली ब्रेकफास्ट द चिकन हूपर एंड दिस इज द कॉफी विच आई हैव। तो बिना शक्कर का कॉफ़ी पी ली। बर्गर किंग में अभी ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर फ्लाइट में एंट्री है 27 नंबर गेट में, और यहाँ का ऑलरेडी स्टार्ट कर ही दिया खाना, ऑलरेडी वो बर्गर किंग के खाना खाने है बिजी है। तो हम लोग ऑलरेडी हम लोग इन कर चुके हैं, अभी फ्लाइट की तरफ जा रहे हैं। आप सबको बताना चाहता हूँ गुड मॉर्निंग दिल्ली, तो दिल्ली के मॉर्निंग हमारे आज एयर इंडिया के फ्लाइट में
श्रीनगर की तरफ, और प्रियंका भी पीछे आ रही है, और ये चलिए देखते रहिए हमारे तरफ। तो ऑलरेडी हम लोग फ्लाइट में बैठ चुके हैं हमारे, और देखिए हमारे फ्लाइट का नज़ारा, एयर इंडिया की फ्लाइट है, और टाइम कितना है, 7:25 में इसका डिपार्चर है, और हम लोग श्रीनगर पहुँचेंगे 8:40 के आसपास। तो फिर यहाँ का भी कुछ नज़ारे है, हमारे गोपाल जी ये भी साथ में जा रहे हैं, हमारे गोपाल जी। ठीक है, दिखाते हैं इसके बाद आफ्टर द फ्लाइट।